हो, इलाहाबाद का कुंभ हो या हरिद्वार का अर्धकुंभ हो या नासिक का कुंभ हो, भारत में लोगों की धर्म के प्रति जो गहरी आस्था है उसको जिंदा रखता है लोगों का ये सैलाब। ये सैलाब जो महानगरों से कम गांवों और कस्बों से निकल निकल कर धर्म में डुबकी लगाने के लिए, आस्था के सैलाब में नहाने के लिए यहाँ चला आता है। उज्जैन में रामघाट पर लोगों की ये भीड़ और क्षिप्रा जिसको नर्मदा की वजह से नया जीवन मिला है उसमें डुबकी लगाते ये लोग दरअसल बताते हैं कि हिंदुस्तान में धर्म की जड़ें कहीं गहरी हैं उन विवादों और उन बहसों से परे जो टेलीविज़न चैनलों पर हम देखते हैं। घाट पर ऐसा लग रहा है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से अपना स्नान होकर के हम पूजा पाठ दर्शन सब कुछ कर सकते हैं, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है और हम लोगों को आने जाने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आप अभी तक कितनी बार आ गए? मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ। लोग 3-3, 4-4 बार आकर भी अनुभव ले रहे हैं इस स्थान का, आपका क्या अनुभव? अच्छा अनुभव है, प्रशासन का पूरा सहयोग है, यहाँ पे व्यवस्था है बहुत अच्छा, प्रशासन है, पानी भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, आम दिनों के मुकाबले यहाँ पे पानी की ज़्यादा भी है, सभी कुछ अच्छा है। आपका क्या अनुभव? मेरा अनुभव बड़ा शानदार है साहब, क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला लगा हुआ है। मैं देशवासियों से और दुनिया भर के लोगों से अपील करता हूँ कि आए पधारें और इस महाकुंभ का आनंद उठाएं। शिवराज सिंह की सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप कहाँ से भाई साहब? हम सागर से। कैसा अनुभव है आपका? अगर कहीं पृथ्वी पे स्वर्ग है तो वो उज्जैन में। अच्छा, अकाल की आप इलाहाबाद कुंभ वगैरह भी गए हैं? हाँ गए। उसके मुकाबले यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? सबसे नंबर वन व्यवस्था है अपने उज्जैन की। उज्जैन के नंबर वन हर क्षेत्र में। आप कब पधारे उज्जैन? हमें 1 महीना हो गया। 1 महीने से यहीं आप? अच्छा, तो आप 1 महीने यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? सेवाएं दे रहे हैं। कौन से आश्रम में? पुलिस विभाग से सेवा। अच्छा, पुलिस विभाग में। कहाँ से आए हैं? इंदौर से। कैसा अनुभव इस संस्था का? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, संस्था में आके सेवाएं भी सब, प्रशासन भी पूरी लगी हुई है, शिवराज मुख्यमंत्री भी यहाँ पे लगे हुए हैं,